हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैंने बताया है कृष्ण जी का सिंहासन, जो कि बहुत ही इजी और बजट फ्रेंडली है। और हाँ, ये वेस्ट मटेरियल से भी बन जाता है। आप में से ज़्यादातर लोगों के पास ये सारे सामान पड़े होंगे। तो मैंने ले लिया है स्क्वायर शेप का ये एक बॉक्स। इसके ऊपर मैंने ये फोम शीट को जो है वो लगा दिया है। ये फोम शीट आपको, आप साड़ी वगैरह लाते होगे उसमें भी निकलती होगी, तो ये वही है। थर्ड स्टेप में मैंने लिया है ये तीन कार्डबोर्ड को, मैंने सेम साइज़ का कट करके उसके ऊपर फोम शीट चिपका दिया और इसकी सिंहासन की जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन में कट कर लिया है। अब हम इन दोनों टुकड़ों के ऊपर अपने क्लॉथ को स्टिच कर देंगे, स्टिक कर देंगे। देन जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो कि कैसे ये स्टिक करना है, तो मैंने यहाँ पे B7000 ग्लू का यूज़ करा है। आप लोग चाहो तो फेविकोल या फिर नॉर्मल ग्लू गन से भी आप लोग इसको चिपका सकते हो, बट मैंने B7000 ग्लू इसलिए यूज़ करा है कि अगर मैं इन फ्यूचर से अगर वॉश करूँ या पानी से हल्का फुल्का सा धुलूँ तो ये जो है वो निकले ना। अब मैंने यहाँ पे एक नेट की पतली सी स्ट्रिप काट के इसको सुई धागे की हेल्प से फ्रिल का लुक दिया है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो। और सिंहासन की तीनों ओर मैंने इसको अटैच कर दिया है, मतलब चिपका दिया है, जिससे इसका लुक थोड़ा अच्छा दिखे ना, सिंपल सिंपल दिख रहा था ये। फिर उसके बाद में हमने इसमें लेस ऐड कर दिया। आप लोग चाहो तो इसकी डिज़ाइन को अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हो। अब ये मुझे थोड़ा सा फीका फीका लग रहा था, सिंपल सिंपल, तो मैंने इसका छत्र तैयार किया है, जिसके लिए मैंने ना मेरा ओल्ड ब्रश पड़ा हुआ था उसको मैंने लेस से जो है वो कवर कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक सर्कल में कार्ड को कट करा है। ये देखो, बिल्कुल वेस्ट तरीके से मैं बता रही हूँ, कोई भी खर्चा नहीं है एक्स्ट्रा, खाली कपड़े के अलावा और ग्लू के अलावा। इसको मैंने जो है वो ऐसे बीच से कट करके इसको चिपका दिया है और इसको थोड़ा डेकोरेटिव लुक दिया है मैंने। आप लोग जैसे देख रहे हो इसमें लेस वगैरह अटैच करके इसको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्हेंस लुक दिया है मैंने। अब इसके ऊपर हम लोग अटैच कर देंगे फ्लावर, जो कि हमारी इसमें फिनिशिंग दिखे। अब मैंने यहाँ पे छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस लिया है, उसमें बीच से छेद कर दिया है और जो हमने ब्रश में लगाया था अपनी, उसको हम छत्र, जो हमने गोल वाला कार्ड बनाया था उसके ऊपर अटैच कर देंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हो वीडियो में। इससे हमारा क्या होगा ना, छत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। देन अब हमें ना इस छत्र को सिंहासन के पीछे लगा देना है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो। आप लोग कोई भी ग्लू का यूज़ कर सकते हो। ये मैंने ग्लू गन से चिपकाया था, ये ऐसे तो चिपक गया था बट ये बाद में छूट गया था, तो मैंने इसको B7000 ग्लू से चिपकाया था थोड़ी देर पकड़े रहने के बाद में। अभी रुको, ये बना नहीं है, रुक जाओ। अब मैंने ना सेम साइज़ की जो मेरी सिंहासन की लेंथ है उस नाप की मैंने ये फोम जो है वो कट की है और इसको राउंड शेप दिया है फॉर अ पिलो शेप, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और इसको भी मैंने क्लॉथ से जो है वो कवर कर दिया है और थोड़ा सी डेकोरेटिव आइटम्स से मैंने इसको डेकोरेट किया है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो। और एक्स्ट्रा फिनिशिंग देने के लिए मैंने साइड में इसके फ्लावर को भी ऐड करा है। अब इसको हम सिंहासन पे चिपका देंगे। मुझे ना इसका ये बैकग्राउंड थोड़ा सिंपल सिंपल लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया है। देन ये रहा हमारा फाइनल लुक, हमारा सिंहासन बनके रेडी है, वो भी जीरो अमाउंट ऑफ रुपीज़ में। आई होप कि आप सभी लोग को ये सिंहासन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। बाय बाय।